अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को। तो सबसे पहले सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इनके मेंबर्स को हम नाम देते हैं कॉमनली सी स्क्वायर्स या फिर ट्यूनिकेट्स का। और इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की जो लार्जेस्ट क्लास है वो हमारे पास है सीडियन, और इसके अंदर आते हैं टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स जो कि हमारे पास है थैलियसेंस और अपेंडिकुलेरियंस। और ये सारे के सारे सेसाइल होते हैं, मतलब कि इन्होंने किसी भी सॉलिड सब्सट्रेट के साथ अटैच फॉर्म में अपनी लाइफ जो होती है वो स्पेंड करना होती है। और कुछ लोकेलिटीज के अंदर ये इतने ज्यादा लार्ज नंबर में हो सकते हैं कि वहां पे इनको हम डोमिनेंट लाइफ फॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। अब ये हम कह रहे हैं कि ये सिसाइल होते हैं, तो सिसाइल होने की वजह से क्या होगा, इनका जो एक एंड होता है वो किसी भी सब्सट्रेट के साथ जो है वो अटैच होता है, ठीक है, किसी भी सॉलिड सब्सट्रेट के साथ, किसी रॉक के साथ या किसी और शीप हल के साथ। और जो दूसरा एंड होता है अनअटैच्ड एंड होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं टू ओपनिंग्स। एक ओपनिंग को हम नाम देते हैं ओरल साइफन, जो कि ऑफ कोर्स वाटर की एंट्री के लिए प्रेजेंट होती है, और इसको इनकरेंट साइफन भी कह सकते हैं। और दूसरी ओपनिंग हमारे पास है एट्रियल साइफन, जो कि वाटर के एक्सक्रेंट साइफन है। और ये दोनों साइफन ऑफ कोर्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सके, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है ओरल साइफन, और इसके बाद दूसरी हमारे पास है एट्रियल साइफन। ओरल का मतलब होता है माउथ, तो ये जो ओरल साइफन है ये माउथ के तौर पे भी एक्ट करती है। और दूसरी एट्रियल साइफन, एट्रियल जो है वो लफ्ज निकला है एट्रियम से, एट्रियम का मतलब होता है कोई भी चैम्बर या कैविटी। तो क्योंकि इस एट्रियल साइफन के जो पीछे है एट्रियम प्रेजेंट, एक चैम्बर प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसको एट्रियल साइफन का नाम दिया गया है। अगर इसकी हम बॉडी वाल की बात करें, तो इसकी बॉडी वाल जो होती है वो कम्पोज होती है प्रोटीन से, वेरियस साल्ट्स और सेलुलोज से। और ये बॉडी वाल सिक्रीट कौन करेगा, ऑफकोर्स ये एपिडर्मस सिक्रीट करेगी। अब इस बॉडी वाल को हम नाम देते हैं ट्यूनिका, और ये हमें जेल लाइक जो है वो नजर आती है, लेकिन ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो और हार्ड जो होती है वो होती है। अब इसी ट्यूनिक के ऊपर जो है वो रूट लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट हो सकती हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्टोलोन्स का। और ये जो रूट लाइक एक्सटेंशन या स्टोलोन्स है, ऑफकोर्स ये काम करेंगी ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेनेंस फंक्शंस। तो मेंटेनेंस फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्यूनिकेट्स आया अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, तो किस तरह करेंगे। तो इनकी जो बॉडी वाल और या फिर एपिथीलियम के बिरो जो प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, इन मसल्स की वजह से ट्यूनिकेट अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अब ये मसल जो है ये किस तरह काम करेंगे, तो ये ट्यूनिक के इलास्टिसिटी के अगेंस्ट काम करेंगे। इसके अलावा क्योंकि वाटर हमने देखा ओरल साइफन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, तो उस वाटर की वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्रिएट हो रहा है, उस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के अगेंस्ट सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल जब एक्ट करेंगे, तो ट्यूनिकेट जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम बॉडी वाल तक ही कन्फाइंड है, मतलब के सुपरफिशियल है या फिर एपिथीलियल ही है, इतना ज्यादा डीप नहीं है। और बॉडी वाल के अंदर क्या करता है, ये नर्व प्लेक्सिस बनाता है। और ये नर्व प्लेक्सिस अराइज कहाँ से हो रहा है, सिंगल गैंग्लियन से, जो कि हमारे पास वाल ऑफ फेरिंग्स के ऊपर लोकेटेड है। अब जैसे फेरिंग्स की वाल के ऊपर, इसका मतलब है ये एंटीरियर साइड पर सिंगल गैंग्लियन लोकेटेड है, लेकिन एज अ ब्रेन इसका कोई एज सच फंक्शन नहीं है। आगे हम देखें तो ये काफी ज्यादा केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई के लिए जो है वो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इनमें कोई एज सच कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल गैंग्लियन जो है वो लोकेटेड है एंटीरियर साइड पर या फिर जो फेरिंग्स है फेरिंग्स की वाल के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रियम और इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पे एट्रियम हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास एक लार्ज कैविटी होती है जिसको हम नाम देते हैं एट्रियम का। सबसे पहले तो देखते हैं ये हमारे पास है भाई वाटर इन ओरल साइफन है, दूसरा हमारे पास है एट्रियल साइफन। और एट्रियल साइफन के पीछे, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि एट्रियल साइफन के पीछे एक लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं एट्रियम का, ठीक है। अब ये जो एट्रियम है ये फेरिंग्स को सराउंड करता है लेटरली और डोर्सली, यानी फेरिंग्स के दोनों साइड पे देखें तो ये चैम्बर है। अगर डोर्सल साइड से फेरिंग्स को देखें तो तब भी यही चैम्बर हमें नजर आएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो फेरिंग्स हमारे पास, अब ये हमारे पास है फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के ऊपर जो है वो हमारे पास फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इन फेरेंजियल स्लिट्स की जो ओपनिंग्स हैं उनको हम नाम देते हैं स्टिग्मा का। तो इन फेरेंजियल स्लिट्स की ओपनिंग स्टिग्मा के थ्रू जो है वो वाटर इस तरह फेरिंग्स के थ्रू फेरिंग्स के अंदर और इसके अलावा यहाँ पे एट्रियम के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। इस तरह जो है वो वाटर स्टिग्मा के थ्रू जो है वो फेरिंग्स में, इसके बाद एट्रियम एंटर होगा और बॉडी को लीव कर जाएगा यहाँ पे एट्रियल साइफन के थ्रू।
यहाँ पे ऑफ कोर्स वाटर जो है वो ओरल साइफन के थ्रू भी एंटर हो रहा है और स्टिग्मा के थ्रू भी एंटर हो रहा है। तो इस तरह जो है फेरिंग्स का काम क्या है भाई, फेरिंग्स का काम जो है वो गैस एक्सचेंज के अंदर आ रहा है, क्योंकि जब वाटर जो है वो यहाँ पे स्टिग्मा के थ्रू एंटर होगा यहाँ पे एट्रियम के अंदर, तो क्या होगा कि वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाएगी बॉडी के अंदर, और बॉडी में जितनी भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज करके वाटर के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा फेरिंग्स का और क्या काम है, सबसे पहले तो फेरिंग्स की लोकेशन देखते हैं कि फेरिंग्स जो है वो ओरल साइफन से स्टार्ट होती है हमारे पास, और ओरल साइफन से लेके हमारे पास आगे जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है सारे के सारे पर एक्सटेंड करती है। अब फेरिंग्स को जो है या फेरिंग्स का जो ओरल मार्जिन है इसको सराउंड करेंगे टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स क्या करेंगे ऑफ कोर्स वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट करेंगे कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो है वो फेरिंग्स के अंदर एंटर ना हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोर्स माउथ या फिर फेरिंग्स से जो है वो कंटिन्यूस है और आगे एनस तक जो है वो जाता है, और एनस हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, एनस हमारे पास एट्रियल साइफन के पास प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, सबसे पहले ओरल साइफन, इससे पीछे आ रही है हमारे पास फेरिंग्स, फेरिंग्स के पीछे हमारे पास आ रहा है स्टमक, और स्टमक के नेक्स्ट है हमारे पास इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के आगे हमारे पास है एनस। अब फीडिंग में क्या होगा, फीडिंग में हमारे पास ये जो यहाँ पे एंडोस्टाइल है ये अपना रोल प्ले करेगा। तो एंडोस्टाइलेशन में क्या है, ये वेंट्रल साइड पे लोकेटेड है और ये सिलिएटेड ग्रूव है, ठीक है। तो इस सिलिएटेड ग्रूव का क्या काम है, सिलिएटेड ग्रूव का काम है कि एक म्यूकस शीट के अंदर फूड को इनकॉर्पोरेट करना। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है एंडोस्टाइल जो कि वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव है ये म्यूकस शीट बनाएगा, और इस म्यूकस शीट के अंदर जो है सारी के सारे फूड पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। जब फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे तो इसी म्यूकस इसी एंडोस्टाइल के जो सीलिया हैं इस आगे फूड पार्टिकल्स या फिर म्यूकस शीट को आगे मूव करेंगे डोर्सल साइड पे आगे फेरिंग्स तक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंडोस्टाइल जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो भाई आगे जो है अब ये जो फूड पार्टिकल्स की स्ट्रिंग या फिर जो म्यूकस शीट है वो आगे मूव करेगी डोर्सल साइड पे माउथ तक, इस तरह जो है आगे माउथ या फिर फेरिंग्स के थ्रू जो है वो फूड आगे जो है वो पास आउट हो जाएगी। इस तरह जो है आगे फूड को आगे सीलिया जो है सीलिया ही फूड को आगे जो है वो नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक के पार्ट में जो है वो मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे स्टमक के अंदर ही ज्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे और आगे डाइजेशन होगी, और इंटेस्टाइन के अंदर होगी हमारे पास फूड के एब्जॉर्प्शन, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो एनस के थ्रू आगे लीव करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक को, और इस तरह जो है वो एट्रियल साइफन से जैसे ही वाटर एग्जिट करेगा तो उस वाटर के साथ बॉडी को भी रिलीव कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट एंड ब्लड फ्लो। तो भाई इनके अंदर जो है वो हार्ट प्रेजेंट है, जैसे हमें पता है जो फाइलम कॉर्डेटा है उसका एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इसके मेंबर्स के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट जो होता है वो फेरिंग्स की बेस के ऊपर लाई करता है। अब हार्ट की जो है वो टू वेसल्स है, एक वेसल हमारे पास क्या करेगी एंटीरियर साइड पे एंटीरियरली रन करेगी जो कि एंडोस्टाइल के ज्यादातर ब्लड प्रोवाइड करेगी, और दूसरी हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर साइड पे रन करेगी जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और गोनेड्स तक जो है वो मेनली जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स अब हार्ट जो है हमारे पास पंपिंग ऑर्गन है, इसका मतलब है इसने ब्लड को पंप करना है, ठीक है। लेकिन हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो यूनि डायरेक्शनल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा हार्ट जो है वो एंटीरियर साइड से आने वाले ब्लड को पोस्टीरियर साइड पे ही पंप करेगा, ठीक है। बल्कि ऐसा है कि हार्ट जो है वो कुछ बीट्स के लिए सम बीट्स के लिए क्या करेगा इंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पे ब्लड को पंप करेगा, और बाकी बाद में क्या होगी इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये पोस्टीरियर साइड पे जो पहले ब्लड पंप कर रहा था अब इसने पोस्टीरियर साइड से ब्लड को लेना शुरू कर दिया और उसको एंटीरियर साइड पे पंप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इस तरह जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ बीट्स के बाद रिवर्स हो सकती है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि इस रिवर्सल का जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर ट्यूनिकेट के ब्लड की प्लाज्मा की बात करें तो इसका जो ब्लड प्लाज्मा है ये कलरलेस होता है और इसमें काफी ज्यादा अमीबॉइड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑफ कोर्स इन अमीबॉइड सेल्स का क्या काम होगा, इनका काम होगा फूड को आगे जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स तक आगे ट्रांसफर करना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेस्ट रिमूवल किस तरह होता है। तो अमोनिया जो है वो ज्यादातर डिफ्यूज ही कर जाता है वाटर, जब फेरिंग्स जो है वो से पास होता है तो फेरिंग्स में जो है वो अमोनिया सारे का सारा वाटर में डिफ्यूज कर जाता है, तो इस तरह जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अमीबॉइड सेल्स हैं वो भी यूरिक एसिड को जो है वो अपने पास एक्युमुलेट कर सकते हैं, और इस तरह जो है सारे के सारे यूरिक एसिड को एक्युमुलेट करके इंटेस्टाइनल लूप के अंदर जो है वो स्क्विस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड एक पाइलोरी ग्लैंड है जो कि इंटेस्टाइन से आउटसाइड लोकेटेड है, उसका भी थॉट किया जाता है कि उसका भी मे बी एक्सक्रीटरी फंक्शन है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन को, तो रिप्रोडक्शन में क्या है भाई, ये मोनोशियस है, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स हॉर्मोन जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, और गोनेट जो है वो इंटेस्टाइन के लोब के जो है वो पास प्रेजेंट होते हैं। अब इन गोनेट्स की जो जेनिटल डक्ट्स हैं वो एट्रल साइफन के पास ऑफकोर्स ओपन होगी, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी, मतलब जो जेनिटल डक्ट्स जो है वो एट्रल साइफन के पास ओपन हो रही है, तो जो गमेट्स हैं वो एट्रियम के अंदर भी रिटेन रह सकते हैं और एट्रियम के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं, या फिर गमेट्स जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में भी रिलीज हो सकती है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। आगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट से आगे बनेगा एम्ब्रियो, तो जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास डेवलपमेंट से बनेगा टैडपोल लाइक लावा, और टैडपोल लाइक लावा के अंदर क्या होगी, मेटामॉर्फोसिस होगी, तो मेटामॉर्फोसिस होने के साथ साथ ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस होने से पहले क्या होगा, इस ये जो लार्वा हमारे पास बना है, इस लावा के पास होते हैं एडहेसिव पेपिलाए, पेपिलाए हम बोलते हैं किसी भी प्रोट्यूबरेंस, किसी भी जो छोटा इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है उसको हम पेपिलाए बोलते हैं, तो एडहेसिव पेपिलाए जो है वो लार्वा के पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये किसी भी सॉलिड सब्सट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। आगे लावा के अंदर होनी है मेटामॉर्फोसिस, तो इसके एडल्ट में डेवलप हो जाना, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं, ये फर्स्ट स्टेज है जिससे नेक्स्ट आगे जा रहा है नेक्स्ट स्टेज में, तो देखिए इस आगे स्टेजेस में जाते जाते इसके जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो 180 डिग्री की इसके अंदर रोटेशन होती है और इसके अंदर जो बाकी के स्ट्रक्चर है वो रीऑर्गेनाइज होते हैं। तो आप अगर याद करें तो 180 डिग्री रोटेशन हमने एक और फाइलम के अंदर पढ़ी थी, फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर, जिसको हमने नाम दिया था टोर्शन, तो इसका मतलब है टोर्शन का जो प्रोसेस है यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स के अंदर भी हो रहा है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।